बड़ा खूबसूरत सा एक हमारा जो हमारे सीनियर्स का एक सहाफत का अंदाज़ होता है कि बात पूरी कह भी देते हैं और नहीं भी कहते हैं, बड़े प्यारे से अंदाज में, ऐसा ही है। देखिए मेरा ख्याल है इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कारा साहब और न्याय साहब बड़े दोनों मेहरबान हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानी सियासत को भी समझते हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी समझते हैं। देखिए ये सारी सूरत, अच्छा कारा साहब ने तो बड़े खूबसूरत तरीके से प्लेन वर्ड ने बता दिया कि जी क्या है और क्या होना चाहिए था, मेरा ख्याल है उस पर कोई दो राय नहीं है। न्याय साहब ने जिन खतरात का इजहार किया है ना, वो मेरा ख्याल है वो बहुत सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ तक तो क्यों हुआ। और वो बात की उन्होंने फिजा 60-70 साल की, तो मुझे उन्होंने शेर भी पढ़ा, तो मुझे 60-70 साल में मुझे तो एक शेर फैज़ फैज का लगता है कि जो हमारी सारी सिचुएशन के ऊपर आता है। वो कहते हैं कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे ला दवाना थे। मतलब किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की कि मामला को ठीक किया जाए। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल जिस अंदाज से प्रिवेल कर रही है, डेफिनेटली ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि या तो अटक से चले थे और ये कहा गया था कि जी नथिंग डूइंग, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वहाँ से क्रॉस करके यहाँ आए, उसके बाद कहा गया जी ये तो 26 नंबर 24 मामला आगे नहीं जाएगा। और फिर जिस तरह से आगे किसको फ़ायदा देना है किसको नहीं देना, पार्टी के अंदर जिस तरीके से इख्तलाफात हैं, अभी देखें जो 3 दफ़ा गुफ्तगू हुई है, पहली दफ़ा बैरिस्टर गौहर और उसके बाद सैफुल्ला गए, अपना बैरिस्टर सैफ गए, और उसके बाद 2 लोग और गए जिसमें एक अपना क्या कहते हैं असद कैसर साहब भी शामिल है। वहाँ से जो खबरें आई बनी गलत अपना क्या कहते हैं जेल से, वहाँ से लगता था मामला किसी और तरफ जा रहा है। अब ये आउट ऑफ नोवेयर, तो पहले कहा गया कि जी बुशरा बीवी तो लीड ही नहीं करेंगी, आएंगी नहीं, उसके बाद वो आ गई और फिर यहाँ तक पहुँच गई। तो मेरा ख्याल है ये सोचने वाली बात है, लेकिन असल बात है कि फाइनली क्या है, ये अल्टीमेटली किधर जाके ख़त्म होगा। भाई ठीक है, अगर आपने अच्छी बात तो ये की है जो अपना कारा साहब ने भी की है कि जो नज़र आ रहा था कि भी जो हमें भी लग रहा था कि इस दफ़ा बड़ी खौफनाक इनके खिलाफ सख्ती होगी, वो सख्ती नहीं की गई। और रियासत के ने ये बड़ी हिकमत अमली से काम लिया कि खून बहाना ठीक नहीं। और आज भी सुना है कि सब जगहों पे लोग यही कह रहे हैं जो जहाँ पे रेंजर्स और फौजी हैं कि हम अपने लोगों को पे गोली नहीं चलाना चाहते, तो ये बहुत अच्छी बात की है। अब सवाल है कि दूसरी तरफ से जिस तरह का रवैया आप लोग देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, मतलब आप भी देख लें इस्लामाबाद आप कैसे पहुँचते हैं, उसके बाद जिस तरीके से हर आदमी तंग नज़र आ रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो मेरा कहना है सेंस तो प्रिवेल। एक चीज से मैं समअप करूंगा फिजा कि कहीं ना कहीं कुछ जरूर हुआ है। और फिर जिस तरीके से इररेलेवेंट हुए सियासी लोग और फिर अपना वकला लोग सामने आ गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।